मेरे प्यारे दोस्तों, इस देश के अंदर राजनीति का स्तर कहां पर पहुंच चुका है, इसका अंदाजा आप सभी लोगों को इस बात से ही लग जाएगा कि बंगाल की मुख्यमंत्री मुंबई पहुंची थी और मुंबई पहुंचकर उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों से मुलाकात भी करी, जिसमें शाहरुख खान, महेश भट्ट, स्वरा भास्कर समेत जावेद अख्तर शामिल थे। और तो और, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी भी वहां पर अपना खोटा सिक्का चमकाने पहुंचा था। यहां बड़ी हैरानी होगी आप सभी लोगों को यह जानकर के कि ममता बनर्जी ने शाहरुख खान और महेश भट्ट से क्या क्या बातें बोली हैं। ममता बनर्जी कहती है कि कई अन्य लोगों की ही तरह शाहरुख खान को टारगेट कर उनकी छवि खराब करी गई, जिसके पीछे एकमात्र हाथ भाजपा का है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बिल्कुल भी लोकतांत्रिक नहीं है और बेहद क्रूर है। आगे ममता बनर्जी महेश भट्ट के बारे में कहती है कि मुझे पता है कि महेश भट्ट को पीड़ित किया गया। भाजपा वालों की लिस्ट में तो ऐसे और भी ढेरों नाम हैं। मतलब आप सोचिए, शाहरुख खान का बेटा नारकोटिक्स एक्ट में गिरफ्तार हुआ, रंगे हाथों क्रूज शिप में रेव पार्टी करता हुआ पकड़ा गया, साथ ही दोस्तों के साथ ड्रग्स भी बरामद हुई। उसको लेकर एक राज्य की मुख्यमंत्री ने जबरदस्ती की कार्यवाही घोषित कर दी। और तो और, महेश भट्ट जैसे शख्स को पीड़ित हुआ भरी मीडिया के सामने बताती रही ममता बनर्जी। अब महेश भट्ट कितना पीड़ित हुआ या उसके द्वारा कितने लोग पीड़ित हुए, ये तो आप सभी लोगों को भी भली भांति पता है। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर आपके जो भी विचार होंगे, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़ करके हमारी आवाज़ और बुलंद करें। मैं मिलूंगा आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।